वेलकम टू अंजलिस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड कटोरी पिज़्ज़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है। आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ब्रेड कटोरी पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 स्लाइसिस ब्रेड के लिए हैं, बारीक कटा हुआ एक टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, स्वीट कॉर्न, मज़रोला चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी से ब्रेड को बीच में से गोल गोल काट लेंगे। जैसे कि हमने ये ब्रेड को गोल गोल काट लिया है, बाकी की ब्रेड को भी हम इसी तरह से गोल गोल काट लेंगे। हमने ब्रेड के स्लाइसिस को गोल गोल काट लिया है, इसको हम पतला पतला बेल लेंगे। ऐसे ही बाकी स्लाइसेस को हम पतला पतला बेल लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को हमने पतला पतला बेल लिए, इसके ऊपर अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में प्याज डालेंगे, टमाटर, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न्स डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आधे चम्मच से भी कम काली मिर्च, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ऑरेगानो और 2 चम्मच मज़रोला चीज़। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने 3 कांच की कटोरियाँ ली हैं और इसके बीच में हम ब्रेड के स्लाइसेस को रखेंगे। जो हमने फिलिंग तैयार की है उसको हम ब्रेड के ऊपर डालेंगे। और 1 चम्मच मज़रोला चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर डालेंगे चिली फ्लेक्स, और ऑरेगानो। और इसको ओवन में 3 मिनट तक बनने के लिए छोड़ देंगे। हमारा ब्रेड कटोरी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा ब्रेड कटोरी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।